सीक्वेंस देख रहे हैं, आपको हमेशा से एक कोमल, एक नॉर्मल, एकदम प्यार से देखा गया है, बट आज थोड़ा गुस्से वाला रूप भी देखा गया है, तो ऐसी क्या वजह है कि गुस्सा करना पड़ रहा है? वो जो कैरेक्टर महावीर का है कि वो अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं, ये रीज़न वही है उनकी बहन का। उनकी बहन के साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। सेनापति ने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण तारू बहुत परेशान है, तारू रो रही हैं और बहुत ही पॉलिटिकली अंदर से राज्य में चीज़ें हो रही हैं बिकॉज ऑफ सेनापति। तो आज फाइनली महावीर का गुस्सा फूटा है और उन्होंने बिल्कुल फेस ऑफ करते हुए सेनापति को ये चेतावनी दी है, धमकी दी है कि ये सब ना करें, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा हो। इस सीन में हमने वो शूट किया। मतलब कह सकते हैं कि दर्शकों को थोड़ा सा आपका एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। जी बिल्कुल, आगे बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ड्रामेटिक है और बहुत एंग्री, हर्ट, सैड इंटेंस है। कॉमेडी या लाइटर जोन में नहीं है, तो अब मुझे मज़ा आ रहा है करने में और मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। बात करें किरदार की, लाइक बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती आपको? मुझे तो 4 साल के रिहर्सल है, 4 साल का प्रैक्टिस है तेनाली में, इससे ज़्यादा ये तो हम फिर भी हिंदुस्तानी बोलते हैं इसमें, और उर्दू के वर्ड्स बहुत होते हैं। तेनाली वो खालिश एकदम क्लिष्ट हिंदी हुआ करता था, संस्कृत में वर्ड्स हुआ करते थे, तो वो बोलने के बाद अब ये आसान लगता है। मतलब फटाफट आप कर लेते हैं। जी ओके, तो लास्ट क्वेश्चन अपने दर्शकों के लिए क्या बोलना चाहेंगे लास्ट क्वेश्चन? बस जैसे मुझे रामा में प्यार मिला, मुझे उतना ही प्यार महावीर के रूप में भी मिल रहा है। इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिए। मॉनसून शुरू हो गया है, बारिश का मज़ा लीजिए, बाहर निकलिए, भीगिए, मस्ती कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।